हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का सेकंड नंबर चैप्टर नटखट बंदर स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो शुरू करते हैं। एक बार कुछ बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे थे। वे नीचे देख रहे थे। नीचे कुछ बढ़ई लकड़ी काट और चीर रहे थे और कुछ दूसरे काम कर रहे थे। दोपहर को जब बढ़ई खाना खाने गए तो बंदर पेड़ों से नीचे उतर आए। उन्होंने बढ़ई के काम को पास जाकर देखा। एक बंदर लकड़ी के एक लट्ठे पर चढ़ गया। वह गट्ठा बीच से चिरा हुआ था। उसके दोनों भागों को अलग रखने के लिए एक पच्चर यानी कि एक छोटी लकड़ी उनके बीच लगा दी गई थी। बंदर ने बीच की छोटी लकड़ी को हिलाया और उसे बाहर निकाल लिया। इससे उसके दुम चिरे हुए गट्ठे में फंस गई। वह दर्द से तड़पता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाकी सब बंदर उसके पास खड़े हो गए। कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। जब बड़े वापस आए तो सब बंदर पेड़ पर चढ़ गए। जिस बंदर की पूंछ फंसी हुई थी वह वहीं रह गया। एक बढ़ई आरी लेकर उसके पास आया। उसने बंदर की दुम काट दी। बंदर अपनी दुम वहीं छोड़कर भाग गया। तो देखा बच्चों आपने, किस तरीके से बंदर को अपनी शरारतों के कारण अपनी पूंछ को गंवाना पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शरारत भी सोच समझकर करनी चाहिए, नहीं तो हमें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस तरीके से बंदर को अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। और ये